उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने का कोशिश किया है क्वेश्चन सेट करने वाले ने। बोला है कि एक्स पॉजिटिव है और एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू लेस इक्वल दो है। हमें पता है कि अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्स प्लस एक्स का वैल्यू या तो ग्रेटर देन दो होगा या इक्वल टू दो होगा, कभी भी लेस देन दो नहीं हो सकता है। अब ये दोनों केस कब सेटिस्फाई होगा भाई, जब एक्स बटा एक बाई एक्स का वैल्यू दो हो जाए, क्योंकि एक बोल रहा है कि दो या दो से छोटा होना चाहिए, दूसरा बोल रहा है कि दो या दो से बड़ा होगा। दोनों कब जाके मानेगा, जब वैल्यू दो हो जाएगा, इसका मतलब ये टू हो गया। जैसे ही ये दो हो गया, एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, वन। अभी हमें पता चल गया एक्स का वैल्यू वन है। वैल्यू किसका निकालना है, देखिए एक्स जोड़ वन बाई एक्स, फिर है आपका एक्स जोड़ वन बाई एक्स का स्क्वायर, ऐसे कर करके एक्स जोड़ वन बाई एक्स का पावर कितना है, 11। अच्छा एक्स नहीं, ये एक्स स्क्वायर है, इधर है आपका एक्स का पावर 11, 11 और यहाँ पे 11। जब एक्स का वैल्यू वन है तो पावर कुछ भी लो क्या ही फर्क पड़ता है ना, मतलब यहाँ से तो दो आएगा, ये आ जाएगा दो का स्क्वायर, ऐसे कर करके दो का पावर 11 तक। एक आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रहा है। जीपी जो है इसमें क्या होता है फॉर्मूला, जैसे फर्स्ट टर्म लिखते हैं कॉमन रेशियो के पावर, नंबर ऑफ टर्म्स में से एक माइनस करते हैं, नीचे कॉमन रेशियो माइनस वन, तो दो गुना दो का पावर 11 कितना हो जाएगा, 1024 ना, जैसे 1024 तो होता है दो का पावर 10, दो का पावर 11 हो जाएगा 2048, तो 2048 में से एक गया, 2047 तो आ जाएगा 4094, 4094 ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सी हो गया पांचवा। क्योंकि देखिए जीपी का जो सम होता है ना, सम ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं, ये होता है आपका ए आर का पावर एन माइनस वन बटा आर माइनस वन, और इसी सूत्र का हमने यूज किया है। क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो ए का वैल्यू क्या है, दो, और आर का वैल्यू भी क्या है, तो एन संख्या कितना था, 11, टोटल 11 टर्म थे, है ना।